हाँ, बगलामुखी धाम समिति की ओर से नए साल के प्रथम माह में कपूरथला रोड पर स्थित जलंधर विहार में मां बगलामुखी जी के निर्माण अधीन मंदिर परिसर में मासिक हवन यज्ञ करवाया गया। इस बार भी मासिक हवन यज्ञ समिति संस्थापक कैप्टन चंद्र महेंद्रू के संरक्षण में हुआ, जिसमें मुख्य यजमान मानव महेंद्रू रहे। इस दौरान पंडितों एवं विद्वानों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन कुंड में मुख्य यजमान एवं अन्य भक्तों से आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर गुरु माँ जीनत, भूमिका, संगीता, ओम प्रकाश, तिलकराज शर्मा, राम शर्मा, रविपाल जट, संजीव तुली, राजेंद्र आनंद, गौरव नंदा, राजीव सहगल, रजनी, कांता रानी शर्मा, मनी मदान, राजीव बांसल सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ये बताते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आज श्री बगलामुखी धाम समिति अपने नव निर्माण मंदिर में प्रवेश कर गई है। 10 सालों से ये समिति चलती आ रही है। हर मास के अंतिम रविवार मेंबरों द्वारा यहाँ माता बगलामुखी जी का हवन आयोजित किया जाता है। ये बहुत डर है, यहाँ ना कोई अड़चन, ना कोई शत्रु, ना कोई मुसीबत। आप अपना हवन करो और झोलियाँ भर के ले जाओ। आज हम इस प्रांगण में हम महाशिवालय का नींव पत्र रखे हैं। जो जितनी भी संगत आई है, सभी से आग्रह है कि सभी नींव पत्र रखे जाएं। यहाँ पर सभी संगत ही चीफ गेस्ट है और सभी से निवेदन है कि लंगर लेकर जाएं, नींव पत्र अपने हाथों से रख कर जाएं। इस बार के हवन यज्ञ में खास बात ये रही कि मंदिर परिसर में महाशिवालय का नींव पत्थर रखा गया। इस दौरान भक्तों ने भोले बाबा जी के जयकारे भी लगाए। श्री बगलामुखी धाम समिति के ओर से सभी आए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ जलंधर कुंज में, जलंधर की पावन धरती पर माँ का एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो उसकी शुरुआत माता के आशीर्वाद और कृपा से भगवान शिव के परिवार की स्थापना के लिए मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे आए हुए सभी भक्तों का बहुत स्वागत है। ये समिति बहुत ही देर से चल रही है और समाज में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है हर कार्य में। तो यहाँ पे सभी भक्त जो आए हैं वो माँ का हवन भी करते हैं। हर महीने के आखिरी इतवार होता है और जो मंदिर है वो यहाँ पे जल्द ही, बहुत जल्दी बनने वाला है आप सभी भक्तों के योगदान से। तो सभी से अपील है कि यहाँ पे जरूर आए, हवन करें और अपना अपना योगदान जरूर डालें। जय माता।